हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे माव का मूवी की स्टोरी, जहाँ इंसानों ने नेचर क्वीन को नाराज कर दिया है और इससे इंसानियत खतरे में पड़ गई थी। तो क्या वो खुद को इस तबाही से बचा पाएंगे? चलिए देखते हैं इस अमेजिंग एनिमेशन के थ्रू। तो मूवी की शुरू में बताया जाता है कि यूक्रेन के जंगल में ढेर सारे सीक्रेट छुपे हुए थे और इन्हीं में से एक था डार्क माउंटेन या सोर्स ऑफ लाइफ नाम का एक ऐसा मैजिकल ट्री है जो फॉरेस्ट क्रिएचर्स को उनकी पावर देता था और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी थी फॉरेस्ट गार्डियन की। वैसे तो इंसानों से ये जगह छुपी हुई थी, लेकिन फिर एक दिन पास ही के टाउन का एक सौ मिल ओनर किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाता है। वो गार्डियन से सोर्स ऑफ लाइफ का एक ड्रॉप लेना चाहता था ताकि अपनी न्यू बॉर्न बेटी की जान बचा सके, और गार्डियन उस पर दया करके उसकी हेल्प करता है। लेकिन जल्दी ही वो आदमी अपने साथ और लोगों को ले आता है ताकि उस सोर्स ऑफ लाइफ पर कब्जा कर सके, और इससे उनके और गार्डियन के बीच जंग शुरू हो जाती है। गार्डियन ने उन सबको मार डाला और अनाउंस किया कि इंसान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और आज के बाद हम उसे डार्क माउंटेन पर कभी नहीं आने देंगे। अगला सीन कई साल बाद का है, जहां माव का नाम की फेरी काफी टाइम बाद अपनी विंटर स्लीप से जागी है और अपनी पावर से जंगल को हरा भरा करने लगती है। फिर वो अपने पेट स्वैम्पी से मिलती है और कहती है कि चलो अब चलकर अपनी बाकी साथियों को जगाएं, जिनमें नॉर्मल एनिमल्स, ड्रीम मॉन्स्टर्स और कुछ दूसरी फेरीज शामिल थी, और उनके जागने से वो फॉरेस्ट जिंदा हो उठता है। इसके बाद पास ही के बने एक टाउन को दिखाया जाता है, जहां लोग एक लोकल म्यूजिक ग्रुप को एंजॉय कर रहे थे। ग्रुप का एक मेंबर है लूकस, जो बचपन से एक म्यूजिशियन बनना चाहता था और उसका सपना है कि एक दिन वो बड़ी सिटी में जाकर परफॉर्म करे। उसी वक्त एक गाड़ी आकर वहाँ पैम्पलेट फेंकने लगती है, जिसमें लिखा था कि एक जरूरी काम के लिए लोगों की जरूरत है और बदले में उन्हें ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। लूकस को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो पैम्पलेट को अपने अंकल लियो के लिए रख लेता है। तभी एक लड़का उसे इन्फॉर्म करता है कि अंकल लियो की तबीयत बहुत खराब है, और ये सुनकर लूकस घर के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही वहाँ वो गाड़ी आकर रुकती है, जो क्लीना नाम की एक लेडी की थी, और वो उन्हें बताती है कि मैं भी इसी गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिता यहाँ के एक सोमिल ओनर थे, जो कि जंगल में हुए एक दर्दनाक हादसे में मारे गए थे। लोग उसके आने का कारण पूछते हैं, जिस पर क्लीना बताती है कि मेरा काम उस डार्क माउंटेन से रिलेटेड है और इसे करने वाले को मैं मालामाल कर दूंगी। डार्क माउंटेन सुनते ही लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम पागल हो गई हो, क्योंकि जानबूझकर मरने के लिए वहाँ कोई नहीं जाएगा। इधर हीलर लूकस को बताती है कि जड़ी बूटियों का अंकल पर कोई असर नहीं हुआ और उनकी दवाई तुम्हें सिटी से लानी होगी, जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। फिर अंकल के मना करने के बावजूद लूकस अपनी सारी सेविंग्स निकालता है, लेकिन देखता है कि दवाई लाने के लिए बहुत कम है। तभी उसकी नज़र उस पैम्पलेट पर पड़ती है और वो कहता है कि अब शायद पैसों का इंतजाम आसानी से हो जाएगा। वहीं क्लीना अपने पुश्तैनी घर पे आती है, जहाँ उसके हेल्पर फ्रोल के साथ साथ दो गार्ड्स भी हैं। वो उन्हें एक बॉक्स का खास ध्यान रखने को बोलती है और कहती है कि इसमें मेरी सबसे कीमती चीज है। तभी जॉब की तलाश में लूकस वहाँ आता है, जिस पर क्लीना उसे एक लीव की ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि जंगल में जाकर तुम्हें इस पेड़ को ढूंढना होगा, और लूकस इसके लिए तैयार हो जाता है। उधर माफका का सामना एक जंगली कैट से होता है, जिसका बेबी एक ट्रैप में फंस गया था। वो किसी तरह उसे बाहर निकालती है और अपनी पावर से उसके क्लॉक को ठीक कर देती है। तभी कुछ क्रीचर्स आकर बताते हैं कि गार्डियन ने उन सबको डार्क माउंटेन में बुलाया है, और जल्दी ही सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। माफका लेट आने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि कैसे बेबी कैट एक ट्रैप में फंस गया था। गार्डियन इसके लिए फेरिस को जिम्मेदार बताता है कि जंगल को सेफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, और फिर अपनी पावर से उस ट्रैप को नष्ट कर देता है। आगे वो सबको बताता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और सुप्रीम स्पिरिट साल ज्यादा एक नया गार्डियन चुनने वाली है। माफका इसके रूल्स के बारे में पूछती है, जिस पर वोटर फेरी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम बहुत ही सॉफ्ट हो और गार्डियन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग और कठोर क्रीचर ही बन सकता है। उधर लूकस और केलिना के कार से गेट तक आते हैं, जिसके दूसरी तरफ वो मैजिकल फॉरेस्ट था। वहाँ एक गार्ड बाइसन के झुंड को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन लूकस उसे ऐसा नहीं करने देता और इससे नाराज होकर गार्ड उसे अकेले ही आगे जाने को बोलते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर बाइसन डर कर भागने लगे थे, और माफका आकर किसी तरह उन्हें शांत करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सब काम किसी इंसान का है। पहले तो वो ये सब फेरिस को बताने की सोचती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये खुद को स्ट्रांग प्रूफ करने का अच्छा मौका है और मुझे खुद ही जाकर उस इंसान को सबक सिखाना चाहिए। वहीं लूकस को बहुत ढूंढने पर भी उस लीक का कोई पता नहीं चलता, और वो अकेला बैठकर अपनी फ्लूट बजाने लगता है। माफका जो उसे डराने आई थी, उसका म्यूजिक सुनकर बहुत इम्प्रेस होती है और देखती है कि इससे उसकी स्किन ग्लो करने लगी है। लूकस ने भी उसे देख लिया था। वो उसे एक मॉन्स्टर समझकर भागने लगता है और एक टहनी से टकराकर बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही माफका उसे चेक करने जाती है, हर्ष नाम का एक क्रिएचर उसे देख लेता है और कहता है कि हमें इसके बारे में गार्डियन को बताना चाहिए, लेकिन माफका उसे ये कहकर समझा लेती है कि ये छोटा सा काम तो हम दोनों ही कर लेंगे, और फिर वो लूकस को अपने साथ ले जाते हैं।
होश आने पर लूकस उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे वो यहाँ एक लेडी के कहने पर आया था ताकि अपने अंकल की जान बचा सके और उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। माँ को उसके म्यूजिक से पहले इम्प्रेस थी और ये सब सुनकर वो और इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें सोर्स ऑफ लाइफ की एक ड्रॉप दे सकती हूँ लेकिन उसके बाद तुम्हें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। तभी वो गार्डियन को आते हुए देखते हैं और लूकस का बेस बदलकर उसे झूठ बोलते हैं कि ये हश की दूर का कजन है। गार्डियन ये सुनकर उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तब तो इसे हमारे रिचुअल्स को देखना ही चाहिए। उधर वो गार्ड जंगल में अकेले घूम रहे थे और वहाँ उनका सामना उन फेरी से होता है। वो उन दोनों को बहुत तंग करती हैं और वो डरकर वापस टाउन की ओर भाग जाते हैं। किलीना उन्हें देखकर बहुत नाराज होती है और तभी एक गार्ड उसके फेस की ओर इशारा करता है जिस पर अचानक से झुर्रियां पड़ने लगी थी। किलीना तुरंत उस बॉक्स के पास आती है जिसमें सोर्स ऑफ लाइफ की आखिरी ड्रॉप थी और उसे लगाते ही वो फिर से यंग हो जाती है। वो जानती थी कि उसके पास बहुत कम टाइम है और लूकस को उस पेड़ को जल्दी ढूंढना होगा। इसी वक्त लूकस उस सेरेमनी को अटेंड करता है जो डार्क माउंटेन के अंदर चल रही थी और वो पेड़ जिसे वो ढूंढ रहा था वो भी वही लगा हुआ है। फिर जल्द ही सेरेमनी शुरू हो जाती है और पता चलता है कि सुप्रीम स्पिरिट ने मावका को चुना है। मावका भी इससे बहुत हैरान थी लेकिन गार्डियन कहता है कि तुम्हें कुछ सोच समझकर चुना गया है इसीलिए जाओ और जाकर अपनी पावर्स एक्सेप्ट करो। इसके बाद स्पिरिट उसमें अपनी पावर्स डालती है और ओल्ड गार्डियन अनाउंस करता है कि मावका अब से यहाँ की नई गार्डियन है। लेकिन वाटर फेरी इससे बिल्कुल खुश नहीं थी और कहती है कि तुम जैसी सॉफ्ट गार्डियन हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी। लूकस ये सुनकर उसे शांत होने को बोलता है लेकिन इससे वो वाटर फेरी की नजरों में आ गया था और वो उसके असली रूप को सबके सामने ले आती है। एक इंसान को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और मावका समझ जाती है कि लूकस की जान खतरे में है। वो किसी तरह सबका ध्यान भटकाती है और इसे लूकस को भागने का मौका मिल जाता है। फेरी एक जगह आकर उसे पकड़ने ही वाली थी पर मावका अपनी पावर से उसे अपने पास बुला लेती है। फिर वो सोर्स ऑफ लाइफ की एक ड्रॉप उसे देती है और कहती है कि ये कैट तुम्हें तुम्हारे टाउन में ले जाएगी। किलीना को भी उसके वापस आने का पता चल गया था और वो फ्रॉल को उसके घर चेक करने भेजती है। फ्रॉल देखता है कि लूकस अपने अंकल को एक पोशन पिला रहा है जिसे पीते ही वो फिर से जवान हो गया था और इसके बाद वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते ही फ्रॉल उस लीफ को चुरा लेता है और उसे लेकर सीधा किलीना के पास आता है। वो समझ जाती है कि लूकस को ट्री की लोकेशन मिल चुकी है और फ्रॉल से उस पर नजर रखने को बोलती है। मावका देखती है कि लूकस अपनी फ्रूट वहीं भूल गया है और वो और स्वैम भी उसे वापस करने जाते हैं। वहाँ वो पहले अपना भेष बदलती है और फिर लूकस से मिलने उसके घर जाती है। लूकस उसे देखकर बहुत हैरान होता है और मावका ने भी इंसानी दुनिया पहले कभी नहीं देखी थी। फिर वो लूकस की फ्लूट वापस करती है और लूकस कहता है कि जाने से पहले मैं तुम्हें अपना टाउन दिखाना चाहता हूँ। फ्रॉल भी छुपकर उन्हें फॉलो कर रहा था और उसे पता चल जाता है कि मावका असल में फॉरेस्ट फेरी है और वो ये बात जाकर किलीना को बता देता है। मावका लूकस के ग्रुप से मिलती है जो उसे लूकस के ड्रीम के बारे में बताते हैं कि कैसे वो सिटी में जाकर एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। इसके बाद लूकस उसे फ्लूट बजाकर सुनाता है लेकिन ऐसा करते ही मावका की स्किन चमकने लगती है और फ्रॉल सबको भड़काता है कि ये जंगल से आई एक ईविल विच है जो हमारे टाउन को नष्ट करने आई है। लूकस उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन किलीना के गार्ड्स मावका को पकड़ लेते हैं और लूकस उनके हाथों बेहोश हो जाता है। किलीना सबको बताती है कि इन्हीं शैतानों ने मेरे डैड को भी मारा था और हमें इस विच को जला देना चाहिए। ये कहकर वो मावका को जलाने की कोशिश करती है लेकिन मावका ने अपनी पावर से आग को बुझा लिया था पर अभी भी वो लोगों से घिरी हुई थी जो किसी भी तरह उसे मारना चाहते थे। तभी उसकी मदद करने ओल्ड गार्डियन वहाँ आता है और मावका को बचाकर अपने साथ ले जाता है। किलीना लोगों को भड़काती है कि हमें इन शैतानों की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि जल्द ही वो लोग फिर से वापस आएंगे और इससे अच्छा है कि पहला बार हम उन पर करें। मावका को अभी भी लूकस पर पूरा भरोसा था लेकिन गार्डियन उसे समझाता है कि सारे इंसान एक ही जैसे हैं और तुम्हें भी मेरी तरह गलती नहीं करनी चाहिए। वहीं लूकस अब किलीना के बेसमेंट में कैद था और देखता है कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी किलीना एक लड़की को पकड़ के लाती है जो दिखने में बिल्कुल मावका के जैसी थी और कहती है कि मुझे सोर्स ऑफ लाइफ की लोकेशन चाहिए वरना मैं इस बिच को मार डालूंगी। लूकस को सच्चाई का कोई आईडिया नहीं था और हार कर उसे वो लोकेशन देनी ही पड़ती है लेकिन फिर वो देखता है कि ये तो असल में फ्रॉल था। किलीना उसे बंद करके वहाँ पानी छोड़ देती है और खुद जंगल पर अटैक करने चली जाती है। लूकस के अंकल को भी उसने ये कहकर मना लिया था कि तुम्हारा बेटा भी उन्हीं शैतानों के कब्जे में है और ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर वो सबको अपनी एक स्पेशल मशीन दिखाती है और वो सब जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मावका और गार्डियन को भी इस बात का पता चल गया था और गार्डियन सबको बताता है कि ये उसी पहले वाले 100 मील ओनर की बेटी है और हमें एक बार फिर उनका मुकाबला करना होगा। तभी मावका को एक आईडिया आता है और वो अकेले ही किलीना से बात करने जाती है।
वहाँ सबसे पहले वो उसकी मशीन और लोगों को डिसेबल करती है और फिर केलिना को एक ऑफर देती है कि अगर तुम वापस चली जाओ तो मैं तुम्हें सोर्स ऑफ लाइट की एक ड्रॉप दे सकती हूँ। लेकिन केलिना उसके ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तब माफका उसे उसके डैड की याद दिलाती है कि कैसे वो तुम्हारी जान बचाने के लिए गार्डियन के पास आए थे और उसी ड्रॉप की वजह से आज तुम जिंदा हो, इसीलिए तुम्हें इस जंगल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पर केलिना उसे एक सच्चाई बताती है कि सोमेल ओनर की कोई बेटी नहीं थी और मैं तो असल में उसकी वाइफ हूँ। मेरे ही कहने पर उसने वो ड्रॉप हासिल की थी जिसने आज तक मुझे यंग बनाए रखा, लेकिन अब मैं उस सोर्स ऑफ लाइफ को पूरी तरह से पाना चाहती हूँ। ये सुनकर माफका को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि काश हर इंसान लूकस के जितना अच्छा होता। इस पर केलिना उसे झूठ बोलती है कि लूकस ने मुझे यहाँ का रास्ता बताया है और वो तो पैसे लेकर सिटी की ओर निकल गया है ताकि अपने सिंगर बनने के सपने को पूरा कर सके। माफका को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और दुखी होने से वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे मशीन और टाउन के लोग आजाद हो जाते हैं। केलिना तुरंत उस मशीन को आगे की ओर बढ़ाती है और माफका उसे टकराकर दूर जा गिरती है। उधर लूकस के बेसमेंट में पानी भरने लगा था और उसे अपने बचने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उसे ढूंढता हुआ उसका डॉग वहाँ आता है और लूकस उसे तुरंत कहीं से हेल्प लाने को बोलता है। जंगल में इंसान और कीचड़ सामने सामने आ गए थे और वहाँ उनके बीच लड़ाई होने लगती है। तभी हम उस डॉग को देखते हैं जो भागते हुए सीधा हर्ष के पास आ गया था और उसे बताता है कि लूकस की जान खतरे में है। वो केलिना के मेंशन में उसकी मदद करने आते हैं जहाँ उनका सामना फ्रोज से होता है जो लूकस की पहरेदारी कर रहा था। हर्ष उसे रोकने लगता है और डॉग और स्टैम्पी किसी तरह लूकस को बेसमेंट से बाहर निकाल लेते हैं। माफका होश में आते ही सीधा बैटल ग्राउंड में आती है और देखती है कि इंसान उसके साथियों पर भारी पड़ रहे हैं। उससे अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और गार्डियन के वॉर्न करने के बावजूद वो अपनी स्पिरिट ऑफ रेज को समन करती है और कहती है कि जंगल को बचाने के लिए मुझे आपकी सुप्रीम पावर्स चाहिए। स्पिरिट इसके लिए एग्री हो जाती हैं, लेकिन बदले में माफका को एक प्राइस पे करना होगा और अपनी बाकी की लाइफ उसे नथिंगनेस में बितानी होगी। माफका उसकी शर्त मान जाती है और हम देखते हैं कि वो अचानक से एक फायरी मॉन्स्टर में बदल गई है जो इंसान और क्रिएचर्स दोनों के लिए खतरनाक है। वही लूकस मेंशन से बाहर निकलता है कि जल्दी से जल्दी मुझे माफका तक पहुंचना होगा। तभी वो एक आग के तूफान को सीधा टाउन की ओर आते हुए देखता है और हर्ष बताता है कि ये तो माफका ही है। माफका ने उस पूरे टाउन को तबाह करना शुरू कर दिया था और पता चलता है कि इंसान और क्रिएचर्स बचने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लूकस एक बर्ड को लेकर माफका से बात करने जाता है पर वो उस पर कोई ध्यान नहीं देती। तब हर्ष बताता है कि शायद वो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकती और ये सुनकर लूकस को एक आइडिया आता है। वो एक बार फिर अपनी फ्लूट बजाने लगता है जिसकी धुन माफका को बहुत पसंद थी और ऐसा लगता है जैसे वो उस पर रिएक्ट कर रही है। हर्ष बाकी सबसे अपनी मदद करने को बोलता है और इंसान और टीचर एक साथ मिलकर गाना गाने लगते हैं। माफका पर अब इसका असर होने लगा था और वो खुद को फ्री कराने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक ब्लास्ट के साथ ही माफका की ग्रे पड़ चुकी बॉडी नीचे गिरने लगती है। सभी को लगता है कि शायद वो मारी गई है और ये देखकर लूकस रोने लगता है। इसके बाद हम माफका को नथिंगनेस में देखते हैं जहाँ स्पिरिट उसे बताती है कि यहाँ तुम्हें किसी की आवाज़ नहीं आएगी। माफका समझ गई थी कि लूकस ने उसे धोखा नहीं दिया है, लेकिन स्पिरिट कहती है कि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता और डील के अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी बाकी की लाइफ यहीं बितानी होगी। पर माफका अभी भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और कहती है कि मेरे साथ अभी प्यार और सच्चाई की ताकत है और वैसे भी अभी मैं पूरी तरह से जिंदा हूँ और तुम मुझे यहाँ कैद नहीं रख सकते। ये कहकर वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और फाइनली स्पिरिट के कर से बाहर निकल आती है। लूकस और बाकी लोग उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और यही वो एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं। वॉटर फेरी माफका से माफी मांगती है और डिसाइड होता है कि अब से इंसान और क्रिएचर सब मिलकर रहेंगे। फिर एंड सीन में हम केलिना को देखते हैं जो किसी तरह उस लड़ाई से बच निकली थी और सोर्स ऑफ लाइफ तक पहुंच जाती है। वहाँ वो ट्री के अंदर उस मैजिकल पॉन्ड में जाती है और कहती है कि अब मुझे यंग बने रहने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ज्यादा देर वहाँ रहने के कारण अब वो एक छोटी बच्ची बन चुकी थी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।